हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम नेटवर्किंग का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका वो है क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, और दूसरा उसी के अंडर जो आता है जो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना, वो है सबनेट मास्क क्या होते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सबनेट मास्क जो है वो आखिर होता क्या। तो अगर आप नेटवर्किंग के बारे में समझते हैं तो वो बेसिकली एक मेल की तरह होता है। जैसे कि अगर आपको मुझे कोई पार्सल पहुंचाना है तो मुझे सबसे पहले आपका एरिया कोड जानना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका लोकेलिटी है उसका एक एरिया कोड या फिर पिन कोड होता है। अब आपके एरिया कोड के बारे में जब मैं जान जाऊं तो आपके एरिया में तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन आपका स्पेसिफिक हाउस नंबर क्या है वही जानने के बाद मैं आपके घर तक, एग्जैक्ट लोकेशन तक आ पाऊंगा। कुछ ऐसा ही होता है जब नेटवर्किंग के बारे में हम बात करते हैं। जब हम कभी इंटरनेट से कोई डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे नेटवर्क में, जो हमारे जैसे ही काफी सारे कंप्यूटर्स से मिलके बनता है, उससे एक नेटवर्क बनता है। सबसे पहले डेटा उस नेटवर्क को भेजा जाता है जो कि हमारा एक जैसे एरिया कोड हो गया, वैसे नेटवर्क कोड या फिर नेटवर्क आईडी होता है। तो मान लीजिए ये मशीन हमारा है, इससे हमने डेटा रिक्वेस्ट किया है इंटरनेट से, तो इंटरनेट इस मशीन के बारे में जितना नहीं जानेगा उससे ज्यादा हम ये जो ग्रुप ऑफ मशीन्स है यानी कि ये नेटवर्क जो है उसके बारे में जानेगा। तो इंटरनेट सबसे पहले इस नेटवर्क को भेजेगा जिसका एक आईडी होता है यूनिक, जो कि बोलते हैं यूनिक नेटवर्क आईडी। जैसे यहाँ इस केस में है 192.168.1.0। तो ये जो है आपके और आपके ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क का आईडी हो गया। अब ये नेटवर्क का जो सर्वर है इसका काम है कि ये पैकेट को रिडायरेक्ट कर दे आपके एग्जैक्ट घर के नंबर यानी पोस्ट मशीन के नंबर पे, जो कि इस केस में हमारा ये वाला मशीन है जिसने रिक्वेस्ट किया है डेटा पैकेट को। तो सर्वर इसको, जो आपने रिक्वेस्ट किया है, आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका ये काम है कि आपका एक यूनिक नंबर तो होना चाहिए। ठीक है, जो इस केस में यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इसका यूनिक नंबर है 10, इसका 12, इसका 13, इसका 14। तो ये हर मशीन का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है ताकि आपने जो डेटा नेटवर्क से रिक्वेस्ट किया है वो एग्जैक्टली आपको पहुंच जाए। तो अगर आप देखोगे हर आईपी एड्रेस का दो भाग होता है, सबसे पहले उसका नेटवर्क आईडी जो कि आप देखोगे काफी सिमिलर है इससे 192.168.1। सब नेटवर्क का एक अपना नेटवर्क आईडी होता है जिसके अंदर जितने मशीन होंगे उसका नेटवर्क आईडी वाला पार्ट उससे सेम होगा। उसके बाद एक और पार्ट आता है जो इस मशीन को, जिसने डेटा रिक्वेस्ट किया उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग होस्ट आईडी। ठीक है, तो हर होस्ट आईडी से आपको पता चल जाएगा कि किस मशीन ने इस नेटवर्क से डेटा रिक्वेस्ट किया है, तो आप डेटा को परफेक्टली राउट कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि एक आईपी एड्रेस का कौन सा पार्ट नेटवर्क है और कौन सा पार्ट होस्ट का है? ये समझने के लिए ही एक नंबर आता है, जैसे आप यहां देख सकते हो /24, जिसको बोलते हैं सबनेट मास्क। ये हमें ये समझने के लिए हेल्प करता है कि कौन सा पार्ट नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है और कौन सा पार्ट नेटवर्क का सबनेट आईडी या फिर बोलो सॉरी होस्ट आईडी है। ठीक है, तो इससे हम लोग समझते हैं। अब ये देखें कैसे कि हमारा सबनेट मास्क क्या है। तो अगर आपका विंडोज मशीन है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग जैसे ही लिखोगे तो आपको सबनेट मास्क अपना लिखा हुआ मिलेगा, जो इस केस में 255.255.255.255.0 लिख के आ रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये आईपी एड्रेस से काफी सिमिलर है। तो आईपी एड्रेस जो है और सबनेट मास्क काफी सिमिलर है, लेकिन सबनेट मास्क जो है हेल्प करता है आपको जानने में कि इस आईपी एड्रेस में कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क का आईडी है और कौन सा पार्ट आपका होस्ट का आईडी है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। मास्क क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हर जो नंबर है आपका, चाहे 192 हो चाहे 255, वो बेसिकली बाइनरी में 8 बिट्स हैं, और आठों को अगर 1 कर दें तो 2^0 से स्टार्ट होता है। 2^0 + 2^1 + 2^2 +2^3, 4, 5, 6, 7। अगर आप सारा ऐड करो तो आपको 255 जो है डिजिटल में या डेसिमल में मिल जाएगा। बाइनरी का, इस बाइनरी का वैल्यू है आपका 255। तो 8 बिट बोले
या एक ऑक्टेट बोले या फिर एक बाइट। तो ऐसे चार ऑक्टेट मिला के आपका आईपी एड्रेस भी बनता है और सबनेट मास्क भी बनता है। तो टोटल 8 × 4 32 बिट्स का आपका आईपी एड्रेस है एंड 32 बिट्स का ही आपका सबनेट मास्क भी है। अब ये मास्क कैसे काम करता है और कैसे ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करके बताएगा कि नेटवर्क आईडी कौन सा है और होस्ट आईडी कौन सा है वो देखते हैं। तो आपने आधार कार्ड अपना देखा होगा, आजकल मास्क आधार का कंसेप्ट आ गया है। उसमें खाली अगर आप देखोगे लास्ट के 4 डिजिट्स जो इंपॉर्टेंट है वही विजिबल है, बाकी हाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका आधार नंबर किसी को मिले नहीं, ठीक है, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है बायोमेट्रिक्स है वो सेफ रहे, इसलिए उसको सेफ करने के लिए मास्क आधार का कंसेप्ट आ गया है। वैसे ही कुछ अगर आप देखें तो आपके आईपी एड्रेस में भी काम आता है, जैसे ही उसको सबनेट मास्क से आप मल्टीप्लाई करोगे। अभी इस केस में देखें, जैसे हमारा एग्जाम्पल था \24, तो \24 मतलब कितने ऑक्टेट्स हो जाएंगे, एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो 24 बिट्स कितने ऑक्टेट होंगे, 24 डिवाइडेड बाय 8 वो हो गया 3। तो आपके फर्स्ट 3 जो है बिट्स वो ऑल वन होंगे। इस केस में भी देख लो, तो इसको कैसे लिखोगे, 255.255.255, या फिर फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स आपके सारे वन होंगे, ये पहला ऑक्टेट सारा वन, दूसरा ऑक्टेट सारा वन और तीसरा ऑक्टेट सारा वन, उसके अलावा जो बचा वो बाकी सारा 0, ठीक है। तो अगर ये \16 लिखा होता तो यानी फर्स्ट और सेकेंड ऑक्टेट आपका वन है और बाकी सारा 0। \8 लिखा होता तो खाली फर्स्ट ऑक्टेट आपका सारा वन होता और बाकी सारा यहाँ से सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 होता। अभी क्योंकि इसमें \24 लिखा है तो 1, 2 और 3 तीन ऑक्टेट्स आपके सारे ही वन है। अभी इसमें दिक्कत यह है कि जैसे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 255.255.255.0 आ रहा है। इससे हम अगर आईपी एड्रेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नेटवर्क आईडी मिलेगा, चलिए चेक करते हैं। जब हम इसको सबनेट मास्क को हम लोग आईपी एड्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वाले तो जितने डिजिट्स हैं वो सारे तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन 0 वाले जितने वो सारे 0 हो जाएगा और हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली ये 255 मतलब वन है, तो 192.168.123.0 मल्टीप्लाइड बाय 132, सो ऑल बिट्स आर 0, तो ये पूरा जो है आपका 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका आपका है, नेटवर्क एड्रेस आपका बन जाएगा 192.168.123.0, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट 0 है बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो आईपी एड्रेस को जैसे ही आप सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका नेटवर्क एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। सेकेंड है होस्ट एड्रेस, इसी को अगर आप नेगेट कर दो, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट ऑल 0, सेकेंड ऑल 0, थर्ड ऑल 0 एंड लास्ट जो ऑक्टेट है वो ऑल 1 रहेगा, तो तब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें खाली लास्ट वाला जो पार्ट है वो बचा रहेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारा 132 है, ठीक है, तो 132 बचा रहेगा और बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका होस्ट एड्रेस। तो सबनेट मास्क को यूज करके जो कि ऐसे लिखते हैं \ के फॉर्मेट में, आप पता कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क आईडी है, कौन सा पार्ट आपका होस्ट आईडी। अब इस बेसिस पे कितना पार्ट अगर नेटवर्क आईडी है और कितना पार्ट होस्ट आईडी है, इस बेसिस पे आपके क्लासेस जो हैं आईपी एड्रेस के वो बनते हैं। तो अब समझते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है। देखिए, तो जैसा मैं बोल रहा था कि ऑक्टेट बोले, बाइट बोले या फिर 8 बिट्स बोले, तो पहले 8 बिट्स जो क्लास ए होता है, टोटल आपके 5 क्लास होता है, क्लास ए बी सी डी और ई। क्लास ए में आपके पहले 8 बिट्स जो हैं वो है नेटवर्क आईडी को दिया जाता है और बाकी 3 बाइट जो है वो है, टोटल कितने बिट्स हो गए, 24, 8 × 3, 8 × 3 24 बिट्स जो है आपके लास्ट के वो हो गए होस्ट आईडी। क्लास बी में क्या होता है, हाफ हाफ, फर्स्ट 16 बिट यानी 8 + 8 2 बाइट्स आपके नेटवर्क आईडी हो गए और सेकंड जो 8 बिट है वो हो गए आपके होस्ट आईडी। क्लास सी में 3 बिट स्टार्टिंग के आपका नेटवर्क आईडी हो जाता है और लास्ट का जो 8 बिट है वो होस्ट आईडी हो जाता है। और फाइनली क्लास डी और ई में जो होता है, सारे ही बिट ना तो नेटवर्क आईडी के लिए दिया जाता है ना होस्ट आईडी, सब जो है
अलग ही पर्पस यानी स्पेशल पर्पस के लिए यूज हुआ जाता है। जैसे कि क्लास डी जो है वो आप देखोगे मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, और क्लास ई कुछ रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व होता है। एक एक करके हम लोग ये सारे क्लास को डिस्कस करते हैं और समझते हैं इसमें क्या होता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्लास ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, ये आप पहले के 4 बिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको दिया हो वो क्लास ए है, बी है, सी है या डी है। तो पहला का जो पहला बिट जो है, अगर आप देखो ये वाला एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑक्टेट पे आप कंसेंट्रेट करो, बस फर्स्ट ऑक्टेट। ये फर्स्ट ऑक्टेट को देख के आपको पता चल सकता है ये कौन सा क्लास है। इसमें पहला बिट या तो जीरो हो सकता है या वन, क्योंकि बाइनरी में दो ही वैल्यू होता है, या तो जीरो या फिर वन। तो पहला बिट जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, यही दो है। तो सिंपल अंडरलाइन नोट कर लो, अगर पहला बिट आपका फर्स्ट ऑक्टेट का पहला बिट जीरो है तो ये आईपी एड्रेस आपका पूरा क्लास ए को डिनोट करता है, ठीक है। अगर पहला बिट वन है तो फिर वो बी सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला बिट अगर आपका जीरो है तो वो क्लास ए को डिनोट करता है, उसके आगे चाहे जो लिखा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला बिट अगर जीरो है तो वो क्लास ए डिनोट करता है। सेकेंड बिट, अब सेकेंड बिट अगर वन है तो उसके बाद हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बी सी डी है या ई है। तो उसके लिए हमको फर्स्ट बिट तो फिक्स्ड है वन, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा सेकेंड बिट। तो सेकेंड बिट या तो वन जीरो हो सकता है या फिर वन वन हो सकता है। तो यानी 50% जो डेटा है वो तो हमने क्लास ए को दे दिया। अब 50 का हाफ 25% जो है वो क्लास बी, अगर सेकेंड बिट जीरो हुआ वन के बाद, अगर आपका सेकेंड बिट जीरो है तो वो क्लास बी हो जाता है। उसके बाद चाहे जो हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेकेंड बिट जीरो है तो वो क्लास बी है, सेकेंड बिट अगर वन हुआ तो वो सी डी या ई में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लास ए जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, क्लास बी वन जीरो से स्टार्ट होता है, क्लियर। अब पढ़ते हैं क्लास सी डी ई में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब फर्स्ट बिट तो फिक्स हो गया, सेकेंड बिट भी फिक्स हो गया, सी डी का फर्स्ट और सेकेंड बिट वन वन होगा, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आपने सही पहचाना, थर्ड बिट से। थर्ड बिट जो होगा वो या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। इसको और दो पार्ट में आप तोड़ दो, अगर थर्ड बिट आपका जीरो है तो ये आपका क्लास सी कहलाएगा, यानी 110 से अगर आपका आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका क्लास सी है। लेकिन अगर थर्ड बिट, तो अब ये देखो ये आपका क्लास बी जो है वो 50 का हाफ 25% डेटा जो है आपके जितने टोटल आईपी एड्रेसेस बनते हैं, टोटल कितने बनेंगे, चार ऑक्टेट्स हैं तो कितने होंगे, 8 × 4 32 टोटल बिट्स हैं, और कॉम्बिनेशन 0 और 1 में होता है, तो दो अगर है नंबर तो उससे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 32, 2 रेज टू द पावर 32 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आप बना सकते हो, जिसमें से 50% जो है आप क्लास ए को दे रहे हो और 25% क्लास बी को। इसके बाद और हाफ अगर हमने कर दिया, 12.5% क्लास डी को दे दिया। अब क्लास डी जो है इसमें हम थर्ड बिट देखेंगे, क्योंकि अगर 110 के नहीं हुआ और 111 हो गया तो ये क्लास डी भी हो सकता है और क्लास ई भी। तो अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमको 3 बिट तो फिक्स हो गया, 111 डी और ई में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्थ बिट को देख के। अगर फोर्थ बिट आपका जीरो है तो क्लास डी हो गया, 1110 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका क्लास डी है, एंड चारों ही वन है तो वो आपका क्लास ई है। तो ये हो गया आपका और भी हाफ, मतलब आईपी एड्रेसेस जितने टोटल थे उसका 50% तो क्लास ए को चला गया, 25% बी को चला गया, उसका हाफ 25 का हाफ 12.5% सी को चला गया, और 12.5% का भी हाफ आपके डी और ई में डिवाइड हो गया। ये है टोटल 2 रेज टू 32, अगर आप टोटल करोगे तो कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे 2 रेज टू 32 होंगे। अब ईच क्लास में कितने आईपी एड्रेसेस होते हैं, कितने नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, कितने होस्ट एड्रेस, वो हम देखते हैं। पहले क्लास वाइज देख लो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर 2 रेज टू 32 है टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि चार ऑक्टेट्स होते हैं हमारे, तो हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8 × 4, तो वो हो गया आपका 32। एंड क्योंकि कॉम्बिनेशन खाली 0 और 1 से बन सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा 2^2, जितना हमारा आ रहा था नंबर ऑफ बिट्स वो है 32, इसलिए 2^32 आ रहा है। इसमें से 50% डेटा हमने क्लास ए को दिया है, 25 बी को दिया है, 12.5% सी, 6 डी और ई को हमने 6.25% जो है एलोकेट किया है। अब ईच क्लास का हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर क्लास ए आपको याद होगा, फर्स्ट ऑक्टेट जो है नेटवर्क आईडी के लिए होता है और लास्ट 3 जो है आपका होस्ट आईडी के लिए होता है। फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी, इसमें से फर्स्ट बिट आपका, फर्स्ट ऑक्टेट मतलब फर्स्ट के 8 जो बिट्स हैं उसमें से फर्स्ट बिट तो आपका फिक्स्ड है, वो है 0। तो बचे कितने बिट्स? टोटल आपके 7। नेटवर्क आईडी में टोटल आपके 7 बिट जो है बच गए। होस्ट आईडी में कितने बचे? होस्ट में तो 24 के 24, तो 7 + 24 जो है आपका वो हो गए टोटल नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो यानी कितना बना? 31। 32 में से एक निकाल दिया, 31। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? वो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन, क्योंकि पहला बिट फिक्स्ड है 0, तो 32 में से एक तो माइनस कर दिया, तो बचे हमारे पास टोटल 7 बिट्स। तो कॉम्बिनेशन कितना होगा? 2^31। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस इन क्लास ए इज 2^31, जिसका वैल्यू आपको अप्रोक्स कुछ इतना आएगा। अब समझते हैं कि इसमें कितने टोटल नेटवर्क्स बनेंगे। तो नेटवर्क पार्ट कितना है? खाली ये वाला फर्स्ट बाइट। अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बचा कितना? 7 बिट्स। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2^7। अब 2^7 में स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 7 बार। लेकिन हमको ये याद रखना है कि दो क्लासेस जो होते हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो रिजर्व होता है। सबसे पहला है अगर सारे ही नंबर्स 0 हो, सेकंड है सारे ही नंबर्स अगर 1 हो। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे जितने 8 बिट्स हैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी में वो सारे ही 0 पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि 0 से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो बाकी 7 बिट 1 हो, तो वो ऑल 1 वाला एड्रेस भी आ रहा है। तो ये जो दो एड्रेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिजर्व होते हैं, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इवन दो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2^7, लेकिन हमको -2 करना पड़ेगा उसमें से। टोटल बनेगा आपका 2^7 - 2 नंबर ऑफ नेटवर्क, विच इज 126। क्योंकि फर्स्ट वाला जो ऑल 0 है वो आपका रिजर्व है, एंड सेकेंड जिसमें 0 के बाद सारे 1 आ रहे हैं वो भी आपके रिजर्व हैं, इसलिए टोटल हो जाएगा 2^7 - 2। अब उसी वे में गेस करो कि नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितना होगा। तो क्योंकि इसमें 8 बिट्स + 8 बिट्स + 8 बिट हैं, तो 8 × 3 = 24 है, तो 2^24 कॉम्बिनेशन बनेगा। बट इसमें भी क्योंकि मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, यहां पे तो फिर भी रेस्ट्रिक्शन था कि स्टार्टिंग का बिट 0 है, यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, सारे 0 भी हो सकते हैं और सारे 1 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो केस है, सारे 0 और सारे 1, वो काफी इंपॉर्टेंट केस है, वो आपके रिजर्व वाले हैं। तो इसमें से भी 2^24 जो बन रहा है उसमें से भी -2 करना पड़ेगा, और तब हमको नंबर ऑफ होस्ट आईडी मिल जाएगा जो कि है 2^24 - 2। तो याद रखें कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो आप ये वैल्यू तो ढूंढ लेंगे, लेकिन -2 तब करना है, माइनस तब करना है जब सारे ही 0 बन रहे हो या सारे 1 बन रहे हो। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्लास बी में क्या था आपको अगर याद हो, तो क्लास बी हमारा 1 और 0 से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट बिट 1, सेकेंड बिट 0, याद है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट के 8 बिट्स + सेकेंड 8 बिट्स, टोटल 2 ऑक्टेट जो है आपके नेटवर्क आईडी होता है, और लास्ट के 2 ऑक्टेट आपके होस्ट आईडी होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस इन क्लास बी कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना है? टोटल पूरे आईपी एड्रेस में 32। 32 में से फर्स्ट के 2 तो फिक्स्ड है, 1 और 0 क्लास बी में। तो अगर फर्स्ट के 2 बिट्स हैं तो 32 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा? 30। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन जो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन जो होगा वो है 2^30। तो ये क्लियर है कि ये 30 कैसे आया? फर्स्ट के 2 बिट्स आपके फिक्स्ड हैं, बाकी से आपके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे
30 bits जो बचे हैं उससे कम्युनिकेशन में है, 2 raised to power 30। नाउ टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना है, ये वाला पार्ट, इसमें कितने ऑक्टेट्स हैं, दो ऑक्टेट हैं, एक ये और एक ये। ऑक्टेट अगर दो हैं तो बिट्स कितने हो गए, बिट्स हो गए आपके 16, 2 into 8। सो अगर 2 into 8 16 bits हैं, जिसमें से फर्स्ट टू तो आपके फिक्स्ड हैं, ठीक है, फर्स्ट टू आपके फिक्स्ड हैं 1 और 0, तो बचा कितना, 14, 16 minus 2 14, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 raised to power 14। पर क्या इसमें स्पेशल केस कोई बनेगा, सोच के देखो, स्टार्टिंग है 1 और 0 से, तो मैं अगर इसके सामने सारे 0 भी डाल दूं, तो ये स्टार्ट तो 1 और 0 से हो रहा है, तो ऑल 0 वाला केस हमारा इस केस में नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 1 और 0 से। उसके बाद अगर मैं सारा 1 भी डाल दूं तब भी ऑल 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद एक 0 भी तो है, उसके बाद चाहे बेशक सारे 1 हो, तो ना ही ऑल 0 आ रहे हैं ना ही ऑल 1 आ रहे हैं, तो माइनस करने का क्या जरूरत है, तो आंसर है नहीं। हमारा आंसर यहाँ पे 2 raised to 14 आना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर होगा अगर आपने 2 raised to 14 गैस किया है। तो अब इसी तरह से आप गैस करो होस्ट आईडीज कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट आईडी, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, और आपके टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट्स कितने, 2, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 2 into 8 16 bits विदाउट एनी कंडीशन, तो 2 raised to power 16 कॉम्बिनेशन बन सकता है, पर क्या इसमें से माइनस करने का जरूरत है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, तो सारे ही 0 हो सकते हैं और सारे ही 1 हो सकते हैं, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, कंडीशन तो आपका यहाँ है 1 और 0 से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑक्टेट पे कंडीशन लगा है, लेकिन सेकेंड लास्ट और लास्ट ऑक्टेट पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा है, तो ये सारे ही 0 भी हो सकते हैं, सारे ही 1 भी हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडीज में कितना होगा, 2 raised to 16 minus 2, करेक्ट, और वही हमारा आंसर भी है। ऐसे ही आप गेस करो क्लास सी में क्या हो, क्लास सी याद करो, तो फर्स्ट बिट तो 1 हो गया, सेकंड बिट भी 1 था, और थर्ड बिट आपका 0, फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 0, ठीक है। तो अब इसको याद करो और सोचो कि अगर ये आपका स्टार्टिंग जो फर्स्ट ऑक्टेट है, अगर उसका कंडीशन है, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितना होगा, ठीक है, क्लास सी में टोटल आपके फर्स्ट 3 बाइट्स जो है, यानी फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स, वो है आपका नेटवर्क आईडी, और लास्ट ऑक्टेट इज योर होस्ट आईडी। सो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन मतलब नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी को मिला के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, फर्स्ट टू नहीं, यहाँ पे तो फर्स्ट 3 फिक्स्ड है, 1 1 0, टोटल कितने हैं, 32, 32 minus 3 आपका हो गया कितना, 2 raised to 29, तो उतने कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, चेक करो आंसर सही है, तो यू आर करेक्ट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स वाले कितने पार्ट हो गए इसमें, पहला ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, टोटल कितना है, दिस इज 8 बाइट, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट, 8 into 3 24, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ बिट्स तो है आपके 24, लेकिन फर्स्ट 3 फिक्स्ड है, 1 1 0, तो 24 में से 3 निकालो, ठीक है, तो आपका 21 बना, 2 raised to power 21। अब 1 1 0 क्या वो स्पेशल केस बनेगा, ऑल 0 वाला, गेस करो, 1 1 0 के बाद अगर आपने चाहे यहाँ पे 0 से भर भी दिया सर, तब भी स्टार्ट क्योंकि 1 1 0 से हो रहा है, तो सारा 0 वाला केस तो बन नहीं रहा है, और 1 1 0 के बाद सारा 1 भी डाल दिया, तो ये 0 की वजह से सारा 1 वाला केस भी नहीं बन रहा है, तो इसमें आपका आंसर खाली 2 raised to 21 आएगा, जो कि ये रहा आपका आंसर, अगर ये आपने गेस किया तो आपका आंसर करेक्ट है। अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी कितना है वो गेस करते हैं, होस्ट आईडी कितना है, इसमें 8 ही बिट्स हैं, कोई कंडीशन नहीं, अब होस्ट आईडी पे तो कोई कंडीशन लग ही नहीं रहा है, तो लग नहीं रहा है तो सारे 0 वाले केसेस भी आएंगे, सारे 1 वाले केसेस भी आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग 2 raised to power 8 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो -2 हमको करना पड़ेगा, 2 raised to power 8 -2, अगर ये गेस आप कर रहे हो तो आपका आंसर सही है। क्लास डी में कितना बनेगा, अब इस केस में आप देखो सारे ही बाइट्स जो हैं आपके यूज्ड अप हैं, यानी इसमें कोई भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में मैं तोड़ नहीं रहा हूं, ये पूरा ही नेटवर्क आईडी के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक तरह से ये पूरा ही नेटवर्क आईडी दे रहा हूं, इसमें कोई स्पेसिफिक होस्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक मशीन का एड्रेस नहीं है,
तो अगर मैं इस नेटवर्क में भेज रहा हूं तो सारी मशीन को मिल जाएगा डेटा, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट को मल्टीकास्ट। मतलब अगर नेटवर्क में मैं कुछ डेटा भेज रहा हूं तो वो जितने मशीन उसके अंदर है सबको एक ही बार में डेटा मिल जाएगा, इसीलिए क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है और मल्टीकास्ट के लिए या ब्रॉडकास्ट के लिए सेव्ड होता है। अभी इसका अगर आप कंसेप्ट देखो तो इसमें कोई नेटवर्क आईडी नहीं है, कोई होस्ट आईडी नहीं है, अलग अलग नहीं तोड़ा है। तो इसका आप याद करो स्टार्टिंग क्या है, 1 1 1 0, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 बिट पे कंडीशन लगा है, बाकी सारा नॉन कंडीशनल है। तो 4 बिट तो फिक्स्ड है स्टार्टिंग का, 1 1 1 0। तो कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 32 में से 4 मैंने हटा लिए, ठीक है। तो आपके जो है टोटल 2^28 बचा, उतना ही कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। इसमें कोई कंडीशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो 2^28 आपका बन गया। सेम वे में आपका क्लास ई भी जो है उसमें भी कोई नेटवर्क आईडी नहीं है, कोई होस्ट आईडी नहीं है। इसमें जितने एड्रेसेस हैं आपके वो रिजर्व हैं कोई स्पेशल पर्पस, जैसे कि रिसर्च हो गया या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई हो गया, जो सीक्रेटिव आईपी एड्रेस चाहिए तो उस पर्पस के लिए क्लास ई को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना बनेगा, सेम कंसेप्ट, इसमें स्टार्टिंग के बिट्स जो है आपके 1 1 1 1 होंगे, तो 4 बिट रिजर्व है 1 1 1 1। तो सेम एज योर क्लास डी, इसमें भी सारे जो हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि 4 बिट हैं, 32 में से 4 निकाल दो, 28, 2^28 जो है आपका टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन या कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो अब रिवाइज कर लेते हैं समरी। ये देखो ये टेबल याद कर लो, आपका पूरा कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। क्लास ए जो है उसमें फर्स्ट आपको खाली फर्स्ट ऑक्टेट से पता चल जाता है कि कौन सा क्लास कोई आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। तो क्लास ए जो है इट बिलोंग्स टू योर, अगर इफ इट इज स्टार्टिंग विद 0, अगर वो आपका आईपी एड्रेस जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इट बिलोंग्स टू क्लास ए। वहीं अगर 1 0 से स्टार्ट हो रहा है तो बी, 1 1 0 से स्टार्ट हो रहा है सी, और अगर 1 1 1 0 से स्टार्ट हो रहा है डी, एंड सारे ही 1 है तो क्लास ई से हो जाएगा। अब इसी को अगर आप चाहें और बोलेंगे कि डेसिमल में कैसे पता चलेगा, डेसिमल में तो 192.168 पर वैसे लिखा रहता है, तो इसी को अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट के तो चारों, फर्स्ट का जो बिट है क्लास ए में देख लो वो फिक्स्ड है 0 है, बाकी सारा 1 डाल दिया तो कितना बनेगा, मैक्सिमम कितना है, 2^7, क्योंकि 7 बिट है, 2^7 कितना है, 128, करेक्ट। लेकिन बाइनरी में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से कहां तक जाएगा, 1 1 128 से कम, क्योंकि 1 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारा काउंटिंग, तो इसलिए 127 पे आके रुक जाएगा। फर्स्ट आपका जो बिट होगा वो होगा 0 0 0 0 0, जो कि है बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वो है 0। सो 0 से लेकर 127 तक अगर आपका है नंबर, वो हो गया आपका क्लास ए, 50% ऑफ योर आईपी एड्रेस। फिर 1 0 से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वाला जो है 127 के इमीडिएट बाद, 127 का जो लास्ट क्लास ए में जो लास्ट होगा वो होगा 0 से स्टार्ट होकर, बाकी सारे जितने 31 बिट्स हैं ये सारे 1। एंड अगर आप क्लास बी को देखो तो 8/32nd जो बिट है वो 1 है, बाकी सारे 31 बिट्स 0 अगर रख दो तो आपको आ जाएगा 128, ठीक है। 128 से लेके 191 तक अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, ये सारे खाली फर्स्ट ऑक्टेट्स के बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट ऑक्टेट अगर 0 है से लेके 127 के बीच में तो क्लास ए है, फर्स्ट ऑक्टेट जो आपका है वो अगर 128 से 191 के बीच में तो क्लास बी, 192 से 223 के बीच में तो क्लास सी, 224 से 239 के बीच में क्लास डी, एंड 240 से 255 के बीच में तो क्लास ई। अगर आपको डेसिमल से कंपेयर करना है तो ये टेबल, और बाइनरी में लिखा है तो आपका ये टेबल काम आएगा ये पता करने के लिए कि कौन सा क्लास आपका बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। लास्ट में हम लोग ये समझते हैं कि पर्पस क्या है। क्लास ए में ऑलमोस्ट 50% ऑफ आर आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं, इतना बड़ा उसमें कैपेसिटी है, इतने सारे नेटवर्क, इतने सारे होस्ट मशीन्स, तो यूजुअली क्लास ए जो है वो यूज होता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए, ऐसा नेटवर्क जो कॉरपोरेशन में यूज हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूज करते हो, इतने बड़े नेटवर्क के लिए हम लोग पूरा क्लास ए लोकेट जो है उनको कर देते हैं। क्लास बी जो है उससे 50% से भी हाफ, यानी 25% जो है हम क्लास बी को दे रहे हैं। तो क्लास बी जो है फिर भी काफी सारे नेटवर्क्स उसमें आते हैं, तो वो मीडियम साइज नेटवर्क्स उसको यूज करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गए जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हो, या फिर बिजनेसेस हो गए,
ये क्लास बी वाले आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। फिर क्लास सी, आपने देखा होगा 192 से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे लोकल मशीन्स भी हैं, तो काफी स्मॉल नेटवर्क जो है, क्योंकि 25 का भी हाफ 12.25% अराउंड, सॉरी 12.5% के अराउंड आपका जो है क्लास सी को एलोकेट हो रहा है, वो है आपके स्मॉल नेटवर्क, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गए, छोटे बिजनेसेस हो गए, वो आपके क्लास सी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं। फिर उसको और तोड़ दिया हमने, 6.25% जो है क्लास डी को देते हैं, जो आपको याद होगा मल्टी कास्ट, क्योंकि इसमें कोई होस्ट आईडी नहीं, तो मल्टी कास्ट पर्पज के लिए, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, जैसे आप अपना गूगल कॉन्फ्रेंस गूगल मीट पे करते हो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो बहुत लोग को एक साथ, तो उसको कहते हैं मल्टी कास्ट, तो बहुत डिवाइस पे एक साथ डेटा को बोलते हैं मल्टी कास्ट, उसके लिए हम लोग क्लास डी को यूज करते हैं। फाइनली रिसर्च पर्पज या एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए क्लास ई को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, एंड काफी आज के वीडियो में क्लैरिटी मिला होगा कि क्लासेज में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ईच क्लास को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, एंड सबनेट मास्क क्या होता है, हर क्लास का क्या यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।